हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में केदारनाथ धाम से जुड़े एक रहस्य के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर केदारनाथ धाम के कपाट 6 महीने बंद क्यों होते हैं? आखिर क्यों नहीं भगवान शिव के और ज्योतिर्लिंग मंदिरों की तरह पूरे साल खुले रहते हैं केदारनाथ? आखिर क्या है इसके पीछे का रहस्य? तो दोस्तों, इस रहस्य के बारे में जानकारी देने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कृपया वीडियो को लाइक करें और भारत के धार्मिक स्थलों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, केदारनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और इस मंदिर का कपाट साल में सिर्फ 6 महीने ही खुले रहते हैं और 6 महीने तक बंद रहते हैं। और दोस्तों, यह नियम हजारों साल पहले से ही चला आ रहा है। दरअसल मान्यता है केदारनाथ का वर्चस्व अनादि काल से ही चला आ रहा है और यहाँ भगवान शिव का बहुत ही पवित्र शिवलिंग है जिसकी मान्यता इंसानों तो दूर देवताओं तक भी प्रसिद्ध है। इसलिए देवों के देव महादेव के इस पवित्र शिवलिंग को मानव व देवता दोनों ही पूजा करते हैं और शास्त्रों के अनुसार ग्रीष्म काल में पूरे 6 महीने मानव जाति व 6 महीने शीत काल में देवताओं को पूजा करने का अधिकार दिया गया है। इसलिए शीत काल आते ही केदारनाथ धाम के कपाट मानव द्वारा बंद कर दिया जाता है और उसके बाद शीत काल में पूरे 6 महीने देवताओं द्वारा पूजा किया जाता है। और इस बात की हमेशा ही एक पुख्ता सबूत देखने के लिए मिलता है, क्योंकि जब केदारनाथ धाम के कपाट मानव द्वारा बंद कर दिया जाता है तो उस समय केदारनाथ मंदिर को अंदर से पूरी तरह साफ सफाई किया जाता है और मंदिर के भीतर एक दीपक जलाया जाता है। उसके बाद ही मंदिर के मुख्य द्वार बंद कर दिए जाते हैं और 6 महीने तक कोई इंसान कुछ भी कर ले लेकिन वह मंदिर के भीतर प्रवेश नहीं कर सकता है। लेकिन जब 6 महीने के बाद ग्रीष्म काल में मंदिर के कपाट खुलते हैं तो मंदिर के अंदर बिल्कुल वैसे ही साफ सफाई देखने के लिए मिलती है जैसा कि 6 महीने पहले कपाट बंद करने के दौरान किया गया था, और वह दीपक उसी प्रकार जलता हुआ मिलता है जो 6 महीने पहले कपाट बंद करने के दौरान पुजारियों द्वारा जलाया जाता है। और इसके पीछे का रहस्य बताया जाता है कि 6 महीने तक इस दीपक को देवता जलाए रखते हैं और मंदिर की साफ सफाई भी देवताओं द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि सोचने वाली बात यह है कि आखिर 6 महीने तक बिना तेल घी के दीपक जलते कैसे रहते हैं? और क्या हम किसी एक कमरे को 6 महीने तक छोड़ दें तो क्या 6 महीने बाद भी वह कमरा हमें उसी प्रकार साफ सुथरी देखने के लिए मिलेगी? तो दोस्तों, इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। हमें 6 दिन के बाद ही किसी भी एक बंद कमरे के अंदर धूल मिट्टी दिखाई देने लगती है, लेकिन केदारनाथ धाम पूरे 6 महीने के बाद भी साफ सुथरी मिलती है। इसलिए केदारनाथ धाम को रहस्यमय मंदिर बताया गया है और इसलिए यह हिंदुओं का सबसे पवित्र मंदिर भी माना जाता है। और इसको 6 महीने बंद करने का मुख्य कारण यही बताया जाता है कि शीत काल में देवताओं द्वारा पूजा किया जाता है, इसलिए मानव जाति शीत काल आते ही केदारनाथ मंदिर की कपाट बंद कर देते हैं। वैसे दोस्तों, केदारनाथ मंदिर बंद होने के पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी बताया जाता है। दरअसल शीत काल में पूरे 6 महीने केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी होती रहती है, जिसके वजह से केदारनाथ धाम पूरी तरह से बर्फ से ढक जाती है और यहां तक इंसानों का पहुंच पाना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि पूरे केदारपुरी बर्फ के समाधि में लीन हो जाती है और यहाँ इंसानों का रुक पाना बिल्कुल ही संभव नहीं है। इसलिए शीतकाल आते ही केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को मैंने धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों रहस्य के बारे में बता दिया हूँ। कृपया आप सभी कमेंट में हमें बताएं कि इन दोनों में से आप कौन से रहस्य को मानते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। आगे भी ऐसे ही रहस्यमय वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय श्री केदार, हर हर महादेव।